8.4 का क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट है। इसमें हमें प्रूव करना 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ कॉस ए। यहाँ पे हिंट दे रखा सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। सो सबसे पहला हम एलएचएस को लेंगे, 1 प्लस सीकेंट ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए डिवाइडेड बाई सीकेंट ए को वापस लिख सकते हैं हम 1 बाय कॉस ए। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में एलसीएम हो जाता है कॉस ए, यहां मिलता है हमें कॉस ए प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 बाई कॉस ए हो जाता है। दोनों डिनोमिनेटर में कॉस ए होने से कौन से कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें मिलेगा कॉस ए प्लस 1। इसको हम वन इक्वेशन 1 मान करके चलते हैं। अब राइट हैंड साइड को एक्सपैंड करेंगे, साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, और ये जो 1 है इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस ए। तो ये न्यूमरेटर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह रहने से हम उसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ ए। ये दोनों कैंसल होकर के हमें अल्टीमेटली मिलता है 1 प्लस कॉस ए, उसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1 बी। ये इसको 2 मान करके चलते हैं। अभी हम नोटिस कर सकते हैं आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस या 1 इज इक्वल टू 2, यही है इसका प्रूफ। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 5, उसमें पांचवा पार्ट है। इसमें हमें प्रूव करना कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकंट ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कोसिकंट स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए। तो सबसे पहला ये जो आइडेंटिटी हम लोग जो यूज करने वाले हैं उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब इससे हम बोल सकते हैं कोसिकंट स्क्वायर ऑफ ए माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। पहला लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से ये हो जाता है कॉस ए, इंडिविजुअल टर्म्स को साइन ए में डिवाइड करेंगे, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए होल थिंग डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में भी कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। अब इंडिविजुअली हम देखेंगे तो पहला वाला कॉस ए बाई साइन ए जो है कॉट ए हो जाता है, ए 1 हो जाता है, प्लस 1 बाई साइन ए जो है कोसिकंट ए हो जाता है। होल थिंग डिवाइडेड बाई ये कॉट ए है प्लस 1 है माइनस कोसिकंट ए हो जाता है। तो अब क्या करेंगे हम अभी अगला पेज में जाएंगे, अगला स्लाइड में जाएंगे। इसको कॉट ए मतलब ये जो माइनस 1 है इसको हम ए वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इसको हम जोड़ देंगे, पहले जोड़ करके हम फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब दिस इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कोसिकंट ए माइनस वो जो 1 की बदले में, ये जो माइनस 1 की बदले में हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे कोसिकंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसिकंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होल थिंग डिवाइडेड बाय, वो जो डिनोमिनेटर वही लिखेंगे कॉट ए माइनस कोसिकंट ए, कॉट ए माइनस कोसिकंट ए, उसके बाद प्लस 1। ये अभी हम सिंप्लीफाई करने से ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह रहने से हम उसको लिख सकते हैं कोसिकंट ए माइनस ऑफ
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब कोसीकंट ए प्लस कॉट ए टाइम्स कोसीकंट ए माइनस कॉट ए द होल थिंग डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कोसीकंट ए प्लस वन। अब यहां पे न्यूमरेटर में कॉमन टर्म्स देखेंगे तो हम ये कॉमन है मतलब कोसीकंट ए प्लस कॉट ए कॉमन रहता है उसको हम बाहर लेंगे कोसीकंट ए प्लस कॉट ए बाहर लेने से ये जो है पहला वाला टर्म वन हो जाता है माइनस कोसीकंट ए माइनस कॉट ए माइनस बाहर रहने से पहला वाला कोसीकंट ए हो जाता है अगला वाला प्लस कॉट ए हो जाता है। होल थिंग डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉट ए माइनस कोसीकंट ए प्लस वन सॉरी ये नहीं आएगा कॉट ए माइनस कोसीकंट ए प्लस वन। अब इसको और इसको कंपेयर करने से दोनों सेम है वन माइनस कोसीकंट ए यहाँ पे वन माइनस कोसीकंट ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए तो मतलब हम डायरेक्टली इस इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। अभी रिजल्ट निकलता है कोसीकंट ए प्लस कॉट ए जस्ट चेक करेंगे यही है आर एच एस यस यही है आर एच एस सो दैट इज इक्वल टू आर एच एस तो हम कंक्लूड कर सकते हैं हेंस द प्रूफ। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 5 इसमें सिक्स्थ पार्ट है इनमें हमें प्रूव करना स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सिकंड ए प्लस टेन ए। तो सबसे पहला हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट है वन प्लस साइन ए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में वन माइनस साइन ए। अब हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट को एक्सटेंड कर करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर है वन माइनस साइन ए उसका कॉन्जुगेट हो जाता है वन प्लस साइन ए तो वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इनडायरेक्टली देखेंगे एक्चुअली वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग ओनली बाई वन एक से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला यहाँ पे हो जाता है वन प्लस साइन ए द होल स्क्वायर इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह रहने से वन माइनस ऑफ वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए तो वो हो जाता है वन प्लस साइंस ए द स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वन स्क्वायर तो वन ही है वन माइनस साइन स्क्वायर ये जो है कॉस स्क्वायर ऑफ ए हो जाता है। अब स्क्वायर रूट लेने से ये मिल जाता है वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब वन बाई कॉस ए जो है सीकेंट ए हो जाता है और साइन ए बाई कॉस ए जो है टैन ए हो जाता है वो निकलता हमें आर एच एस हेंस द प्रूफ।